सबसे पहले ये अविनाश जी ने बोला, एक बार आदेश जी और अविनाश जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। कौन है अविनाश? हमारा नॉट हमारे। और दोस्तों इन्होंने क्या बोला कि आज जिनके वजह से ये कारवा है, नहीं मेरे दोस्त, ये मेरे वजह से कारवा नहीं है। सन 2012 में एक हाथ इस सर के ऊपर आया था, वो कोई और नहीं, उनकी वजह से ये कारवा है, जिनके वजह से आप और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप और हम सबकी ग्रेट अपनाएं, हमारे मेंटर, हमारे गुरु मिस्टर एंड मिसेस संजय दीवान सर के लिए एक बार जबरदस्त। मैं कुछ भी नहीं था जब से गुरु जी का हाथ पड़ा है। 1500 लोगों की टीम थी दोस्तों, 1500 लोगों की टीम, और आज गुरु जी के आशीर्वाद की बदौलत दो लोगों से सफर की शुरुआत की थी। पूरे हिंदुस्तान में 29,000 लोगों की टीम बना के आपके सामने खड़ा हुआ। मैं थैंक्स करता हूं सारे चैंपियंस का, एक बार इन सारे चैंपियंस के लिए जबरदस्त रेपे होने चाहिए, जबरदस्त। मिस्टर राहुल कुमार एंड मेरा छोटा भाई प्रमोद सिंह, इनके लिए 10,000 लगने वाले हैं। इन दोनों ने विश्वास किया था, मुझे आज भी वो दिन याद है, इन दोनों ने विश्वास किया था। भोपाल में एक मीटिंग लगाई थी इनके साथ, वहां से सफर की शुरुआत की थी। और आज कारवा ये है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि इंडिया के 8 राज्यों में आपके छोटे भाई का काम करता है दोस्त। इंडिया के 8 राज्यों में छोटे भाई का काम करता है। और आपको ये बिजनेस क्यों करना है उसकी मैं सबसे बड़ी वजह बताता हूँ। गोवा कितने लोग गए थे हमारे साथ, जो लोग गोवा गए थे मालूम है आप लोगों को? 11 तारीख को मेरा पैर टूटा था गोवा में। कितने लोगों को मालूम है? सारी अपलाइन और सारी टीम साथ में थी, इनका आशीर्वाद साथ में था। दोस्तों आपको क्यों करना है मैं आज बताता हूँ आपको, मुझे क्यों करना है। उस जब मेरा पैर टूटा वहां से मैं यहाँ आया, सवा महीने काम नहीं किया, फिर भी गुरु जी के आशीर्वाद से और इन चैंपियंस की बदौलत उस सवा महीने में 3,80,000 रुपया मेरे अकाउंट में आया। तो सब चलो 3,80,000। ये होती है सिक्योरिटी, ये होती है सिक्योरिटी। शायद जॉब में होता, टीचर होता, तो आधी सैलरी आई होती। मेरे दोस्त 3,80,000 के लिए 3,80,000 वाली क्लैपिंग होनी चाहिए। 3,80,000 और मुझे याद है, मुझे याद है गुरुदेव, आपने 2013 में बोला था कि रविंदर एक दिन तेरी शादी होगी, एक दिन हो सकता है तू बीमार हो जाए, फिर आपके पास अगर नौकरी होती तो पैसा नहीं आता। ये क्यों शौक है? अगर तू बीमार भी हो जाएगा, बैठ कर भी पड़े रहेगा, तो भी 6 लाख आएगा और 1.5 लाख आएगा। और गुरु जी उस टाइम पे मैं वाकई घर पे था और आपके आशीर्वाद से दो कैप लगाई घर बैठे बैठे। घर बैठे बैठे दो कैप, अंडरस्टैंड कीजिए दोस्त, घर बैठे बैठे दो कैप। मैं थैंक्स करता हूँ मेरे गुरु जी को और आप सबको दोस्तों, क्योंकि आपके बदौलत ये सब हो पाया है। आप यहाँ से मार्केट में जाएंगे, काम करेंगे, लोग बाग आपसे बोलेंगे ये नहीं चलता, वो नहीं होता, यूसुफ नहीं चलती, कामयाब नहीं होते, आगे नहीं बढ़ते। उन लोगों के लिए मैं दोस्त की स्टोरी सुनाना चाहूंगा, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या सुनने के लिए तैयार हैं? मार्केट में मिलेंगे आपको कुछ ऐसे गधे जो बोलेंगे यूसुफ नहीं चलती, तू कामयाब नहीं होगा, तू फेल हो जाएगा, तेरी कंपनी नहीं चलेगी, तू आगे नहीं बढ़ेगा। उन लोगों के लिए स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, क्या सुनने के लिए तैयार है? तैयार है? एक बार की बात है मेरे दोस्त, एक बार एक जंगल में एक गधा और एक चीता, चीता समझते हैं? एक गधे और चीते के बीच में बहस हो रही थी। बहस क्या थी? गधा बोलता है घास नीली होती है। घास कैसी होती है? घास कैसी होती है? खाना खा के आए हो ना? घास कैसी होती है? और चीता बोलता है घास
हरी होती है। घास कैसी होती है? चीता बोलता है घास हरी होती है, गधा बोलता है घास नीली होती है। दोनों में बहस बढ़ जाती है, दोनों में बहस बढ़ जाती है, बहुत बहस बढ़ जाती है। अंत में समय आता है जंगल के राजा के पास सॉल्यूशन का, और जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर होता है मेरे दोस्त। अंत में फैसले की बारी आती है, ऐसे ही दरबार सजाया जाता है, सारे लोग बैठे हुए होते हैं, सारे लोग बैठे हुए होते हैं, पेश किया जाता है उस गधे को और उस चीते को, और बोला जाता है बताइए क्या इससे आपका क्या समस्या है। तो चीता बोलता है महाराज हम जंगल में दोनों लोग खड़े हुए थे, मैंने बोला घास हरी होती है और ये गधा बोलता है घास नीली होती है, आप राजा हो आप ही फैसला करो, आप जो बोलेंगे वही बात सही होगी। थोड़ी देर बाद राजा साइलेंट, शेर साइलेंट, थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है कि बिल्कुल गधा 100% सही बोल रहा है, घास कैसी होती है? नीली होती है, घास नीली होती है। और इस चीते को 3 साल की सजा दी जाती है और दरबार बर्खास्त किया जाता है, दरबार खत्म किया जाता है, दरबार खत्म किया जाता है। उससे पहले चीता बोलता है महाराज आपने जो मुझे सजा दी वो मंजूर है मुझे, पर इतना तो बताइए आपको भी पता है घास कैसी होती है? हरी होती है, हरी, फिर भी आपने नीली क्यों बोला? तो वो शेर मुस्कुरा के बोलता है राजा तू बेवकूफ है, गधे से बहस कर रहा है किससे? गधे से, मार के मैं आपको ऐसे गधे मिलेंगे जो बोलेंगे, मार के मैं आपको ऐसे गधे मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं, यूसुफ नहीं चलती, काम नहीं चलता, तू आगे नहीं बढ़ेगा, तेरी कैब नहीं आएगी। या तो गधों की बात सुन लेना या बात को समझ लेना, आज पीयूष पालवी अवनीश साहू या ये सारे चैलेंजेस कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, उन गधों से बच के रहना, क्योंकि मेरे गुरुजी बोलते हैं गधा चाहे लाहौर में रहे या बेंगलोर में रहे गधा गधा ही होता है। आज जो आपने देखा हुआ है, आज जो आपने देखा हुआ है दोस्त, उन गधों से बच के रहना, क्योंकि घास हरी होती है, लेकिन अगर उन गधों से बहस करोगे दोस्त तो जिंदगी में कुछ मुकाम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो शेर आए हुए हैं उनकी बातों को सुन लोगे, या फिर ये कहूँ कि हमारे राजा आए हुए हैं उनकी बात को सुन लोगे, तो आप भी एक दिन रविंद्रवंश की जगह खड़े होंगे, बोल रहे होंगे और लोग बाग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। आई गया।